हत्या। अहियापुर कोल्हुआ में दहेज दानवों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। करजा से पहुंचे महिला के मायके वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH लाया गया। वहीं महिला के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। महिला की माँ एवं उसके चाचा ने बताया कि एक वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी, लोन लेकर बाइक दी थी। अब चार चक्के के लिए 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, नहीं देने पर बिटिया काजल की हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मार देला खा हमरा बेटी के। बेटी को? हाँ। क्या नाम था उसका? काजल नाम है। अच्छा, कौन मार दिया? दामाद मार देला। क्या नाम है उसके पति का? मुन्ना नाम है। कहाँ का रहने वाला है मुन्ना? कोल्हुआ का पोखरी। अच्छा अच्छा, कितना दिन पहले उसकी शादी हुई थी? साल भर। एक साल पहले? बाल बच्चा तो नहीं होगा? बाल बच्चा को बच्ची है 2 महीना का। एक बच्ची है 2 महीना का। क्यों मार दिया है उसका पति? देखिए, काल जैसे फोन किया सुबह में, अपाची लिया है समझे, अपाची दिए हैं ठीक है, तो अपाची के गाड़ी के कार जल्दी नहीं आता है, फाइनेंस वाला जल्दी देता है नहीं, लोन पर लिए कर्जा कर गाड़ी दिए। एमहा मांगता था तो पंकों गोड़ी मांगता था, दो लोग कह दिया जाए तो गाड़ी बातचीत नहीं है, लेकिन कह रहा था दे दो। हाँ। अपाची खरीद के दे दिए किस्ती पर, 3694 रुपया किस्ती है ठीक है। तो गाड़ी के कागज अभी नहीं आया है, ओनर बुक जो होता है सो नहीं आया, वो दिए हैं। देने के बाद कल फोन कर रहा है 2 लाख रुपया दीजिए, जैसे 4 चक्का गाड़ी किनना है। हम कहाँ से 2 लाख रुपया देंगे? लॉकडाउन में बैठे हुए 1 रुपया कमा नहीं खटा रहे, हम कहाँ से देंगे? तो जहाँ से तहाँ से दीजिए तो मार देंगे बेटी के। तो ये कौन तरीका के बात है? ये कौन तरीका के बात है? पैसा होगा तब देंगे। कल फोन पर कहा जी, और उसको बाद जो है जो मैट्रिक में दिए हैं 17,000 रुपया, एक बार 10,000 रुपया एक बार मैट्रिक की परीक्षा में। तो क्या काम क्या करता था लड़का? वो कंपाउंडिंग करता है जीवन छप। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर करजा हुआ, जिला मुजफ्फरपुर है। जी जी। अच्छा अच्छा, एक साल पहले शादी हुई थी पर लॉकडाउन में। कैसे मार दिया है? मारा कैसे है? नट्टी पर लाथा मार। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।